तो भाई संदीप रेड्डी वांगा जी की एनिमल मूवी देख के आ रहा हूँ आपको 5 पॉइंट बताऊंगा बिना कोई स्पॉइलर दिए क्यों आपको ये मूवी देखना चाहिए और लिटरली क्या ये वर्थ वॉचिंग है कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपको ब्लड और वायलेंस वाली मूवी बहुत पसंद आते हैं, मतलब पूरा खून ही खून हो भाई, एकदम खून खराबा से पूरा लैस हो, तो भाई ये मूवी जाओ जाके देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। और बॉलीवुड पे पॉइंट नंबर 2 मेरा यही से स्टार्ट होता है कि कुछ ऐसा नया इस बार आया है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई मूवी नहीं आया था। और सही बता रहा हूँ गाइस, ये मूवी आपको लिटरली कुछ नया लगेगा बॉलीवुड में इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, सब कुछ एकदम न्यू स्टाइल है। और कह सकते हैं बॉलीवुड के लिए एक नए दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि भाई ये मूवी है ही कुछ इस टाइप का कि ऐसा मूवी कभी आया नहीं था और ये एक नया ट्रेंड सेट करेगा आने वाले समय में। नंबर 3 ये है कि बाप और बेटे के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया गया है मूवी का। जिस तरीके से कनेक्शन को अच्छा दिखाया गया है एंड तक, वो चीज को मूवी को संभाल के रखती है काफी अंत तक, और वो देखने में भी आपको काफी अच्छा लगेगा, ना कि आपको बोरिंग ही लगेगा। और मूवी 3 घंटे 20 मिनट की है, 1 मिनट भी कहीं बोर नहीं करती है, तो ये बात याद रखना। 3 घंटे 20 मिनट की मूवी अगर 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं लग रही है, तो भाई मूवी में एक एक मिनट में दम और मेहनत डाली गई है, और हाँ वो चीज साफ आपको दिखता है। रणबीर कपूर का अब तक का मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट करियर एक्टिंग है इस पूरे मूवी के अंदर, क्योंकि इससे पहले संजू मूवी को बोला जाता था बहुत ही बढ़िया एक्टिंग है, बट वो भी आपको कम लगेगा। और भाई जिस लेवल का एक्टिंग किया रणबीर कपूर ने ना, रणबीर कपूर एकदम वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग दिए हैं अपने फुल करियर का। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि इस मूवी जैसे खत्म हो जाती है तो मूवी को छोड़ के जाना मत, क्योंकि ये मूवी का जो है ना सेकंड पार्ट आ रहा है जिसका नाम है एनिमल डार्क। यस, इसके अंदर क्या है नहीं है वो जब तक आप मूवी को पूरी तरह से खत्म करोगे एनिमल को, आपको पता चल जाएगा। और हाँ, बॉबी देओल इस मूवी में गूंगा है, ये बात कन्फर्म है। तो भाई मूवी बहुत अच्छा है, जाके देखो। परिवार के साथ मत जाना, फ्रेंड्स के साथ जाओ, दोस्तों और अकेले भी जा सकते हो ठीक है, बट परिवार के साथ मत जाना। अडल्ट मूवी है, स्ट्रॉन्गली बोल रहा हूँ अडल्ट मूवी है, कभी गलती से मत जाना। लेकिन ऐसे मूवी ओवरऑल बहुत अच्छा है, जाके देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट में आपने अभी तक मूवी देखी कि नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और मैं अभी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ही अच्छा मान रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, और आप भी जल्दी से जल्दी जाके देखो।